हिम्मत है, yes, जज्बा है, yes, जिद है, yes, जोश है, yes, डिटर्मिनेशन है, yes, 365 डेज होना है ये, विद कंसिस्टेंसी होना है आपको। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के कोऑर्डिनेटर एक दफा एक गेस्ट के साथ आए, मेरे लिए तो कोई नई चीज नहीं थी, हमेशा गेस्ट आते हैं, तो एक बंदे के साथ बैठे हुए थे, मैं एज यूजुअल अपना लेक्चर देता रहा। वो कोऑर्डिनेटर ने मेरे कान में कहा था कि आई हैव कम अप विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट। तो जब इंट्रोड्यूस करने लगे कि बोले कि ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ मदरसा, वो प्रोडक्ट ऑफ मदरसा मतलब आपका इमेज क्या आता है, कुर्ता पजामा दाढ़ी और टोपी, और वो बंदा टोपी तो नहीं थी, दाढ़ी थी, पैंट शर्ट में बंदा था, किस में था, पैंट शर्ट और दाढ़ी थी। तो मैंने कहा कि इसने क्या ऐसा बड़ी चीज़ है, ये मदरसा प्रोडक्ट है तो ये स्पेशल गेस्ट कैसे हुआ है। हाँ, कुर्ता पजामा दाढ़ी टोपी है, नूरानी चेहरा है, ये बहुत ही स्पेशल गेस्ट है तो बात समझ में आती है, यस और नो। लेकिन कोई टोपी सर पर है नहीं, दाढ़ी ज़रूर है लेकिन पैंट शर्ट पर है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने कहा तो तालियों से जो है गूंज उठा ऑडिटोरियम। जो कोऑर्डिनेटर ने कहा कि ये आलिम दीन है और ये अभी अभी ताज़ा ताज़ा इन्होंने यूपीएस क्लियर किया है, ये आईएएस ऑफिसर बने हैं करके। यानी एक मदरसा प्रोडक्ट को यूजुअली जो मीडिया बदनाम करने की कोशिश करता है कि ये टेररिस्ट है, ये ऐसे हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन ये आईएएस ऑफिसर हैं, यानी आलिम दीन हैं और फिर आईएएस ऑफिसर हैं। तो आप ही की तरह ये 300 बच्चों में कोई एक लड़का खड़े होकर वो आईएएस ऑफिसर से क्वेश्चन किया था, सर कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आई हैव ए क्वेश्चन, मेरे पास में एक क्वेश्चन है, मे आई एस्क यू। तो उन्होंने परमिशन दिया, यस यू मे। तो वो लड़के ने पूछा कि सर जब आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे थे, यूपीएससी पता है ना आप लोग को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है, तो वो क्वेश्चन पूछा गया कि सर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग यूपीएससी एग्जाम, जो इंडिया का सबसे टफ एग्जाम होता है, तो वो आलिम दीन को पूछा गया, वो आईएएस ऑफिसर को पूछा गया कि सर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग यूपीएससी एग्जाम हाउ मेनी आवर्स डिड यू प्रैक्टिस। ही आंसर्ड, well, I never counted hours. How many hours did you practice was the question. He answered, I never counted hours. Kabhi maine time ko dekha nahi, kabhi maine count nahi kiya, 10 ghante, 12 ghante, 20 ghante, 24 ghante, jo aap bole na. Unhone kaha ki I never counted hours. To wo ladka bada ziddi tha. Usne pucha ki sir any rough number, koi bhi ek number bolo. तो फिर वही जवाब आया, बिलीव मी आई हैव नेवर काउंटेड आवर्स। तो वो बच्चे को थोड़ा गुस्सा आया, उसने कहा कि सर अ डे हैज ओनली 24 आवर्स, आई एम श्योर यू डिडंट वर्क 25 आवर्स, कुछ तो बोलो ना, 23 बोलिए सर। वो आईएएस ऑफिसर ने 23 नहीं कहा, वो मौलाना, वो आईएएस ऑफिसर ने कहा कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता था, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता था और 3 वक्त खाना खाता था, नहीं बताया उन्होंने, जब भूख लगती तो खाना खाता था, कभी 4 बार खाता था, कभी 2 बार खाता था, कभी दिन में एक ही दफा खाता था, जब भूख लगती तो खाना खाता था, नमाज स्पेसिफिकली बताया उन्होंने, दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ता था, जब भूख लगती तो तब मैं खाना खाता था, और जब प्रिपरेशन कर करके थक जाता तो सो जाता था, 4 घंटे सोता था, 6 घंटे सोता था, 2 घंटे सोता था, ऐसे नहीं बताया उन्होंने, जब भी मैं थक जाता तो मैं क्या करता, सो जाता, मैं जब खाता हूं तो जो स्टोरेज होता है उसे बाहर भी तो करना है, यू हैव टू एम्प्टी आउट योर बाउल्स एंड ब्लैडर, जब हाजत आती तो मैं टॉयलेट जाता, जब हाजत आ जाती तो क्या करता, टॉयलेट जाता। कितनी चीजें बताई उन्होंने, 4 चीजें बताई, पहली चीज 5 वक्त में नमाज पढ़ता, जब भूख लगती तो खाना खाता, जब थक जाता तो आराम करता कुछ देर, और जब हाजत पेश आती तो टॉयलेट जाता, फिर कभी मेरे पेरेंट्स बाहर से कुछ सामान ले आने को कहते, मेरी माँ, तो मैं बाहर जाता, सब्जी वगैरह ले आता,
ये पांच के अलावा कोई छठी चीज, कोई सिक्स्थ चीज मुझे याद है तो वो प्रिपरेशन करते रहता मैं। डू यू गेट इट ना? ये पांच के अलावा कोई छठी चीज मैंने किया है तो बस IAS UPSC बस यही करते जाता मैं। इतना पैशनेट अगर आप है, पेन पेपर दीजिए, आपका नाम आपका रैंक मैं लिखूंगा। अगर आप वैसे करोगे, कर सकते हैं, हिम्मत है, जज्बा है, जिद है, जोश है, डिटर्मिनेशन है, लेकिन 365 डेज होना है ये, विद कंसिस्टेंसी होना है आपको।